बिसम रहीम अल्लाम जी अलैक्म कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनों के साथ होंगे आज हम आपको ब्लॉग में किसी ख़ास से मिलवाने वाले हैं और जो मेरी बहन की जिठानी है जो डेली से आई हैं तो ब्लॉग को बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा और वो सिर्फ़ हमसे इसलिए मिलने आई थी कि वो मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है जब से हम ब्लॉग बना रहे हैं भाभी जो है बराबर देख रही हैं तो यहाँ पर सुबह का वक्त है और आज हमने अम्मी को चाय पर इनवाइट कर लिया था तो हम माँ बेटी एक साथ बैठकर चाय जो है इन्जॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग कैसी है मेरी बेटी की फैमिली आई होप खुश है मज़े में है और शुक्र अलहमदिल्ला हम भी ठीक हैं और आज हमारे यहाँ मौसम देखिए कैसा हो रहा है साढ़े हो गया लेकिन धूप जो है निकली नहीं है और कल तो जो है बारिश भी हुई है एक लहर बरस गया पानी का धीमे धीमे करके चिड़िया सब बोल रही हैं जब धूप नहीं होती है तो चिड़िया लोग यहीं पर रहती हैं अम्मी दर थल ताना डालती हैं ना इस वजह से और आप सब बताइए आप सब के यहाँ का वेदर कैसा है कहना तो बहुत कुछ रहता है बस ये है कि कैमरे के सामने आते ही जो है अभी भी कैमरा कॉन्शियस हूँ <laughs> अभी भी कैमरा कॉन्शियस हो इतने सालों से ब्लॉगिंग करने के बाद भी दरअसल कभी अपनी जो है बातें हैं इतने अच्छे से आप सबके साथ शेयर नहीं की ना कभी इस वजह से ऐसा है हवाई जहाज़ आया बोल रहा है बादल में से आवाज आ रही है और नाश्ता हमने नहीं किया है क्या हुआ बिटिया बिटिया क्या हुआ ले आई तोते को। तो मरियम की मम्मी आ गई हैं ये देखिए तोते को ले करके आओ जाओ कम बैठा दीजिए दे। ये रखो ये देखिए ये मेरे कंधे पे विराजमान हो गया है ये देखिए सुल्तान बोलो उसको बुलाओ सुल्तान सुल्तान कहीं नहीं कही पॉटी ना कर दे मेरे ऊपर आओ इतने सीधे कैसे हो गए इतने सीधे कैसे हो गए बताओ हम्म शीते कैसे हो गए लाइट आई नहीं अभी तक बर्तन हाँ। वॉश करने को पड़े हैं अभी क्या बात है उड़ने की फिराक में है लग रहा है आसमान दिख गया है पंख ती तो उड़ जाती रे मिठू मिया यहाँ बैठे हुए हैं, पेड़ की डाल पर अमरूद के और अभी इसमें अमरूद नहीं है कहाँ जा रहे हो कहा जा रहे हो है? आजा आजा मेरे आ बंद कर तो हम दोनों बहनें बाहर बैठे थे लेकिन कुछ ही देर के बाद मौसम जो है हो गया खराब <laughs> और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी और लग रहा था कि बारिश होने वाली है क्योंकि बादल चढ़े हुए थे लाइट जो है पहले ही कट गई थी मॉर्निंग में ही और मेरे सारे बर्तन पड़े हुए थे वॉश करने के लिए और जैसे कि मैंने ब्लॉग स्टार्ट बताया कि मेरे आज मेहमान आने वाले हैं तो उन्हीं का इंतज़ार भी हो रहा था क्योंकि मह की मम्मी ने पहले ही फ़ोन करके बता दिया था हमारे यहाँ हो रही है बारिश इस बार तो कुदरत का सारा सिस्टम जो है उल्टा पुल्टा हुआ है वक्त से ही पहले जो है बारिशें जो है लग गई हैं और थोड़ा बहुत मौसम भी ठंडा हो चला है तो जैसा कि हमने बताया कि हमने नाश्ता नहीं किया था साढ़े दस ग्यारह बज गए थे बाहर बैठे बैठे फिर बारिश होने लगी तो फिर थोड़ी देर बाद हमें भूख का एहसास हुआ यानी कि अब बज रहे हैं शाम के साढ़े पाँच तो फिर हमने एक कप चाय बनाया पुदीने आम की चटनी रखी हुई थी और ये है आलू का पराठा आइए आप सभी मेरे साथ जो है शाम की चाय के साथ आलू का पराठा इंजॉय कीजिए तो जिन मेहमान की बात कर रहे थे <laughs> देखिए वो मेहमान आ गए हैं है ना बहुत क्यूट से मेहमान हमारे तो ये मह कि मम्मी को तो आप लोग जानते हैं क्योंकि इन्होंने जो ऑरेंज सूट पहना है आप लोग ने पहचान लिया होगा और बगल में जो भाभी बैठी हैं ये मेरी बहन की जेठानी है डेली में रहती हैं इनकी शादी और मेरी शादी एक ही सन में हुई थी यानी नाइन्टी सेवन में और उनकी बेटी है बगल में बैठी हुई है और ये आई थी डेली से अपने मैके लखनऊ इनके यहाँ थी मैके में शादी और ये इनका बेटा है और जब भाभी ऊपर आ गई तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें की फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई और ऐसा लगा ही नहीं भाभी के नेचर से कि वो हमारे लिए अजनबी हैं या हम उनके लिए अजनबी हैं तो हम लोगों ने सारी बातें की खूब सारी और ये ब्लॉग आपको बहुत पहले मिल जाता लेकिन मेरी तबीयत सच में बहुत ख़राब चल रही मैंने पोस्ट भी आ, पोस्ट भी कर दिया था कम्युनिटी पर कि मेरी तबीयत ख़राब है आप सब दुआएं कीजिएगा इस वजह से ये ब्लॉग जो है लेट हो गया और काफ़ी देर तक हम लोगों ने बातें की माशाल्लाह से और भाभी से हमने काफ़ी आइएगा तो रुकिएगा ज़रूर हमारे घर और भाभी की सुबह फैजाबाद की ट्रेन भी है तो ये अब जाएंगी महक के घर रुकेंगी और रात में महक की मम्मी ने ढेर सारे लवाजामात बनाए थे कोरमा बनाया था पुलाव या बिरयानी शायद बनाया था खी सेवैयाँ बनाई थी दही पुलकी बनाया था यानी कि अभी तो जो है दस पंद्रह दिन तक तो लो, लोग जो है ईद मनाते रहते हैं जो ईद के लवाजाम होते हैं मेहमान आते रहते हैं बनते रहते हैं खाते रहते हैं तो आ, मैं की मम्मी ने वही सारा इंतज़ाम किया था तो दो घंटे तक हम लोग बैठे थे हम लोगों ने बात की और उसके बाद जो है आ, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है तो हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो हम खामोशी से फिर आकर जब सारे लोग चले गए तो हम आकर के लेट गए और सच में अजीब सी तबीयत हो रही है हमें लगता है कि शायद शुगर जो है बढ़ गई जबकि हम आ, शक मतलब कुछ मीठा खाते भी नहीं हैं उसके बाद भी जो है मेरी ऐसी कैफियत जो है हो जाती है तो ये देखिए मैंने नई ईयर रिंग्स पहनी कैसी लग रही है बिल्कुल <laughs> नाजुक सी और थोड़ी देर आराम करने के बाद जो है ज़िया मटन ले आए थे और ज़िया का मन था कि मटन आलू अम्मी बनाएँ तो हमने कहा चलो बच्चा फरमाइश कर रहा है तबीयत का क्या खाना तो हमें भी खाना है क्योंकि दवा खानी है और तबीयत में ये ख़राबी थी कि गला जो है गला ख़राब हो रहा था फीवर हो रहा था सर में दर्द हो रही थी यही सारी चीज़ें थी तो हमने कहा चलो ये तो जो है कब से लगा हुआ है दस सालों से मेरे साथ ऐसा है हम दस साल से बीमार चल रहे हैं तो अब तो इन सब चीज़ों की आदत हो गई है तो बस फिर ज़िया की फरमाइश पे हमने जो है मटर पुलाव बनाया और आलू गोश्त बनाया और यकीन मानिए बहुत मज़े का बना था और हमारे यहाँ कई दिनों से आलू गोश्त बना नहीं था और हमको और ज़िया को तो बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी अम्मी को भी तो हमने अम्मी पा अम्मी के लिए पापा के लिए भेज दिया था और जैसे ही बन गया तो ज़िया इंतज़ार ही कर रहे थे कब अम्मी जो है हरी झंडी दिखाएँ कि खाना बन गया है ज़िया आ जाओ अपना खाना ले लो खा लो तो ज़िया ने खाना खा लिया था हमने साथ में नहीं खाया था हमने बाद में खाया और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप यानी सुबह के साढ़े ग्यारह बज रहे हैं और अब आपसे मुलाकात हो रही है और जैसा कि पता है कि स्कूल वगैरह ओपन हो गए हैं लेकिन अभी नवाज़ का और उजैफ़ा का एडमिशन नहीं हुआ है तो नवाज की अम्मी ने कहा कि अब पिया मेरे साथ चलिए और बच्चों का एडमिशन कराना है और कोई अच्छा स्कूल जो है क्या कहते हैं देखते हैं वहाँ चलकर एडमिशन कराते हैं हमने कहा चलो बच्चों की तो एजुकेशन जो है मस्ट है और बस हम लोग जा रहे थे और धूप इतनी तेज़ हो रही थी इतनी गर्मी हो रही थी पल में जो मौसम है ना बदल रहा है कभी गर्मी होने लगती है कभी ठंडा लगने लगता है कभी कभी तो आज कल ऐसा हो रहा है कभी कभी तो फ़ैन भी बंद कर देते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि हल्की सी गुलाबी सी ठंडक जो है वापस आ गई है अब आगे की जो फार्मलिटीज़ होंगी वो हम लोग पूरी करेंगे और इन लोगों का एडमिशन कराएँगे इन और ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा पसंद आया होगा तो प्लीज़ जो है लाइक कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा अब इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं लेते हैं इजाज़त फिर मिलते हैं तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ तो ये सारा सिलसिला जो है है और यहाँ पर जब पहुँचे तो हमें अपने बच्चों का जो है स्कूल याद आ गया हाँ तो ये यह हमारे यहाँ बाराबंकी का जो है सबसे बेहतरीन स्कूल है आनंद भवन स्कूल और मेरे बच्चों ने यहीं से जो है पढ़ाई की है माशाल्लाह से और पुराने दिन याद आ गए बच्चों को छोड़ने आते थे लेने आते थे और ज़िंदगी का जो सिलसिला था बस बच्चों की तरबियत तालीम में ऐसे ही जो है अप डाउन करते हुए गुजर गया यानी रूटीन ऐसी बन जाती है जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं और जब आपके ऊपर आप सिंगल मदर होते हैं और आपके साथ आपके सपोर्ट के लिए कोई नहीं होता है तो आपको बहुत सख्त मेहनत करनी होती है और आप को ही सारे आपके ऊपर सारी ज़िम्मेदारी होती है आप को ही सारे काम करने होते हैं ज़िंदगी का जो उतार होता है चढ़ाव होता है सब आपने करना होता है तो देखिए बात ही बात में हम लोग आ गए हैं स्कूल जहाँ पर हुजैफा और नमाज का एडमिशन कराना है तो बस यहाँ पर उतर गए हम लोग और अंदर जाने के बाद जो है बच्चों का जो है हम लोगों ने टेस्ट दिलवाया अच्छा बच्चों का ये रहा कि बच्चे जो है अपनी मम्मी के साथ आ, मिर्ज़ापुर शिफ्ट हो गए तो जिसकी वजह से वहाँ पर पढ़ाई का नुकसान हुआ उसके बाद फिर कोरोना चला तो दो साल वो हो गए तो बच्चे जो है आ, आ, मतलब उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई सभी की हुई आ, इसमें सिर्फ इन्हीं की नहीं हुई लेकिन इन लोगों की कुछ ज़्यादा ही हो गई आने जाने और शिफ्टिंग के चक्कर में तो यहाँ पर जो है नवाज़ ने जो है बहुत अच्छे से पेपर दिया और नवाज़ को एक्सीलेंट मिला तो बच्चों ने टेस्ट दे दिया है अब आगे की जो फार्मलिटीज़ होगी वो पेरेंट्स पूरी करेंगे और ये था मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको बताइएगा और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं लेते हैं इजाज़त दुआओं याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा अपनों का भी अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल